गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। तो गाइस जैसे पता है हम पदुम में, कल भी हम पूरा दिन स्टे लिया, परसों हम पहुँचे थे पदुम में, लेकिन हमारे राज भाई यशराज भाई का बैग नहीं मिला। कल हम गए थे वहाँ पे पूर्णे में वापसी, अमित भाई गए थे लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। वहाँ काफ़ी सर्च करिए और वहाँ पे टेंटों में भी जो लेबर थी उनके भी, वहाँ जाके उनके बैगों की भी तलाशी ली लेकिन नहीं मिला हमें बैग। तो हमने FIR करा दी है, उसकी कॉपी ले ली है ताकि फर्दर कोई हमारी बाइक कोई कागज़ मांगता है तो हम दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं ले को वाया सिरसिला पास। तो लिंचेड मोनेस्ट्री वाला रूट है और सिरसिला शेंगला पास, ये दो तीन पास आएंगे। और अभी 6:30 बज चुके हैं सुबह के, तो हम पैकिंग कर रहे हैं। ये भाई ने पैकिंग कर दी है, मेरी भी पैकिंग चल रही है और अमित भाई की भी चल रही है। तो विद इन हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 घंटे में हम निकल जाएंगे, क्योंकि लंबा आज का काफ़ी लंबा सफ़र है और रास्ता भी अनजान है, बहुत कम लोग जाते हैं इस रूट पे। तो वह देखते हैं, मिलते हैं आपको। तो गाइस हॉल सेट पैकिंग हो गई है और ये हमारा रूम था, मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत ही बढ़िया रूम था, नीचे पूरा कारपेट लगा हुआ है और वुडन, पूरा जो जितनी भी वॉल है सारी वुडन है। और हमें ये 1200 रुपये में मिला है। तो इसका मैं फ़ोन नंबर, जो इसका ओनर है टेंजिंग, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर आना चाहें तो उनसे बात करके आ सकते हैं यहाँ पे। 1200 में हम 3 लोग थे, खाना का अलग था। तो अब चलते हैं। तो मैं यहाँ के होटल के ओनर से मिलवाना चाहता हूँ, बहुत ही हेल्पफुल हैं यार, बहुत ही इन्होंने कल हमारी हेल्प करी। अपनी गाड़ी में हमें पुलिस स्टेशन लेके 3-4 बार 5-6 बार लेके गए और फ़ोन पे इतनी इन्होंने हमारे आगे, जैसे पुणे में बात करनी थी इन्होंने पूरी हेल्प करी हमारी। तो थैंक्स भाई, अपना बारे में बताएं। नाम तेंजिंग है। हेलो, तेंजिंग है इनका नाम और होटल का नाम गस्तिक होटल है। गस्तिक होटल है जो कि बिल्कुल मेन मार्केट में है, चौक पर ये है। तो कोई भी आए तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे बात करके आ जाएंगे, ठीक है भाई? पूरा डिस्काउंट देंगे और आपको पूरी हेल्प करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी भाई हेल्प करते हैं यार। थैंक यू यार आपका। तो गाइस वी आर रेडी टू राइड और 7:45 बज चुके हैं और गैस किट स्मिथ ये। तो गाइस हम इस होटल में रुके थे, ये भाई हैं हमारे तेंजित भाई और ये मार्केट का मेन चौक है और इनकी पार्किंग है पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, बैठने में दिक्कत है अब। जय शंकर की जय, भोले करियो बेड़ा पार। और आज की हमारी राइड शुरू हो गई है, हम हैं अभी पदुम में और अब जा रहे हैं ले की तरफ। और आज की राइड बहुत टफ होने वाली है, बहुत एडवेंचर होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। सांस चढ़ गई है, कुछ भी यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगे आप बहुत सांस चढ़ जाती है। तो अमित भाई और जोगिंदर भाई आगे जा चुके हैं, अभी अमित भाई ने पेट्रोल भरवाना है, मेरा पेट्रोल ऑलरेडी हमने कल ही भरवा लिया था। और ये व्यू देखो यार, माउंटेंस देखो, बहुत ही खूबसूरत, पूरी भी पदुम बहुत खूबसूरत है यार। इसको जंस्कार का लेक आ जाता है, पूरी फैसिलिटीज़ है, मोस्टली यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अच्छा अभी काफ़ी डेवलपमेंट
हो रही है और होगी आगे आगे समय में, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है। तो गाइस ये सामने है करसा मोनेस्ट्री, कल मैं गया था यहाँ पे और शाम को काफ़ी लेट हो गया था, 7 बजे के बाद गया था, जबकि 6 बजे कहते हैं मोनेस्ट्री बंद हो जाती है। तो वो उसका भी रूट था सीधा 10-15 किलोमीटर है, लेकिन ऊपर तक आपकी बाइक जाती है, तो काफ़ी ऊपर से जो व्यू है सारी अपने वैली का, पदुम का पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। आप अगर पदुम आए तो ये करसा मोनेस्ट्री एक सनी विलेज है, वहाँ पे सनी लेक है जहाँ से ग्लेशियर ज़मीन के अंदर से निकलता है, लेक बनी हुई है बहुत ही खूबसूरत है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पिछले ब्लॉग अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो उनको भी प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही शानदार सफ़र है अभी तक, एक्सट्रीम राइड हो रही है जेंट्स कार, बहुत ही सेकंड डे की तो बहुत ही ख़तरनाक राइड हुई यार, जो हमने किलोंग से पुरने की थी वो तो यार ज़िंदगी भर याद रहेगी, बहुत ही ख़तरनाक। सभी राइडर को तो मैं यही बोलूँगा कि टाइम से निकलो, सुबह जल्दी निकलो, और उस समय पानी का फ्लो काफ़ी कम होता है, वाटर क्रॉसिंग भी कम मिलेगी। मैंने पीछे देखा बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए पैदल ही जा रहे थे, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होती है तो ज़्यादातर यहाँ पर लोग ट्रैक करके ही जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव कहीं भी जाना, स्कूल जाना हो या 10-10 किलोमीटर इनको पैदल चलना पड़ता है। और यहाँ के मैंने देखा सभी की फिजिक एकदम पतले लोग हैं यहाँ पर, कोई मैंने मोटा बंदा नहीं देखा यहाँ पे, और सारे थूपा खाते हैं, मोमोज खाते हैं, जितना मैदा ये खाते हैं और कोई नहीं खाता होगा, उसके बावजूद बहुत ही हेल्थ इनकी परफेक्ट होती है ड्यू टू ये वर्कआउट, काफ़ी मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है इनका, काफ़ी पैदल चलते हैं, बड़ी टफ लाइफ है इनकी यहाँ पर, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पदुम में तो फिर भी आपको काफ़ी कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी, बाकी तो आसपास के गांव में तो बिजली तक नहीं है, बिजली का काम हो रहा है बाद में। तो गाइस जांगला में पहुंच गए हैं और यहां पे चेक पोस्ट आएगी, यहां पे आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देने की, बाइक का नंबर, अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर एंट्री करा के फिर आप आगे जा सकते हैं। तो सुबह सुबह आने का ये फ़ायदा है कि आपको वाटर क्रॉसिंग बहुत कम मिलेगी, अभी तक हमें कोई वाटर क्रॉसिंग हल्की सी मिली है एक, इसके अलावा कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, एक सुमो और सफारी और जा रही है वहाँ पे, ले कह रहे भाई हम भी जा रहे हैं साथ ही, तो इस रूट पे कोई ना कोई साथ होता दिल लगा रहता है और टेंशन नहीं रहती यार कोई नहीं है इस रूट पर। तो ये व्यू दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे। तो ये पीछे चेक पोस्ट है, तो अब हमने सीधे जाना है बिल्कुल, और ये माउंटेन को क्रॉस करते हुए, अभी तो सीधा रास्ता दिखा रहा है सामने, वो बिल्कुल सीधा वो आगे तक। अभी भाई से बात हुई थी सफारी वाले से, कह रहा है एक दो मिलेंगी वाटर क्रॉसिंग, लेकिन सुबह के टाइम पानी कम मिलेगा। Hope for the best. Jhanskar is also so beautiful as always. Ladakh. Bye bye. अभी देखो पानी नहीं है सुबह सुबह, अगर हम दोपहर में आते तो ये पूरा भरा होता है, ये फ़र्क पड़ता है सुबह आने और लेट आने में। वहाँ पे हमने गलती कर दी किलोंग में, जो हम लेट निकले जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुसीबतें फेस करनी पड़ी। इस रोड का काम बड़ी ज़ोरों से चल रहा है, जांगला तक तो बिल्कुल परफेक्ट रोड बनी हुई है, डबल रोड है, हाईवे बिल्कुल मस्त बना हुआ है, और इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। आप अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ये रोड बनी मिलेगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है।
देखो कहाँ तक हमें रोड अच्छी मिलती है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जितने भी वाटर क्रॉसिंग है उनके ऊपर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वाटर क्रॉसिंग की होती है, जैसे हम रिवर के अंदर से आए थे उसका कुछ करना पड़ेगा तभी ये रूट बिल्कुल ओपन रहेगा। तो ये देखिए रास्ता कैसा है, पूरा पथरीला रास्ता है अभी तक, और 27 किलोमीटर तक तो बिल्कुल मक्खन मलाई हमें रास्ता मिला, उसके बाद ये ऐसा रास्ता हो गया। अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चल रही है, 2-4 साल में रोड की काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ के पब्लिक, यहाँ के लोकल्स से बात कही तो वो कहते हैं थैंक्स टू पाकिस्तान और चाइना, जिनकी वजह से ये रोड का काम हो रहा है, क्योंकि हमारी आर्मी की सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं। अभी जैसे चाइना ने कब्जा किया था थोड़ा, तो हमारी पूरी आर्मी वहाँ पे पेंगोंग लेक के आगे सारी डिप्लॉयड है, चुसुल विलेज ये इस जगह पर। अभी आजकल परमिट नहीं दे रहे चुसुल का, हनले का, क्योंकि वहाँ पे सबसे नज़दीक है आर्मी, चाइना सबसे नज़दीक है उस एरिया में, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। 2008 में मैं गया था चुसुल और हनले, तब तो इतना पंगा नहीं था, ये चाइना ने बेमतलब का पंगा खड़ा कर रखा है हमारे साथ। कलीमा ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय कर्नल राजीव सिंह, कमांडर 762 BRTF, 17 अगस्त 2009। अच्छा, काफ़ी पुराना ब्रिज है। और ये देखो यार क्या गहरी खाई है, क्या ऊंचे पहाड़ है, काफ़ी पुराना ब्रिज है। सामने हाल देखो कैसे बड़े बड़े पहाड़, काफ़ी पुराने पहाड़ लगते हैं ये, लाखों साल पुराने। वो हमने जाना सामने रोड पे। तो ये देखिए दो नदियों का यहाँ संगम हो रहा है, एक पल्ली तरफ पहाड़ों से आ रही है, एक ये इधर से आ रही है, दोनों ही मटमैली है बहुत ज़्यादा। और ये व्यू देखो यार कितना ख़तरनाक व्यू लग रहा है यहाँ तो। और अब रिवर के साथ साथ जा रहे हैं। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, गामा मत बनिए लामा के देश में, लामा की धरती पे गामा मत बनिए, इसलिए हम गामा नहीं बनेंगे। इधर से ला